मुजफ्फरनगर जनपद के अंतर्गत शहर कोतवाली में बढ़ते एरिया के मद्देनजर सन 2020 में शासन की तरफ से एक आदेश पारित हुआ, खालापार चौकी की जगह एक नवनिर्मित थाने का निर्माण कार्य किया जाए, जिसके पश्चात शासन की तरफ से आदेश पारित करते हुए खालापार थाने का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब वो थाना बनकर तैयार हो चुका है। खालापार थाने पर निरीक्षक और उप निरीक्षक के साथ साथ समस्त स्टाफ तैनात कर दिया गया है। रही बात क्षेत्र की, तो इसमें शहर कोतवाली से काटकर 13 गांवों को जोड़ा गया है, साथ ही कुछ मोहल्ले हैं। अभी फिलहाल खालापार थाने में 4 पुलिस चौकियां हैं और जल्द ही कुछ और नई पुलिस चौकियां इस थाने पर जोड़ी जाएंगी। वहीं इस नवनिर्मित थाने के संबंध में SSP अभिषेक सिंह ने बताया कि 2020 में शासन की तरफ से एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें खालापार चौकी को चिन्हित कर थाने का दर्जा दिया गया था। शहर कोतवाली के 13 गांव और समस्त खालापार और कुछ मोहल्ले थाना खालापार से जोड़े गए हैं। निरीक्षक, उप निरीक्षक, महिला और पुरुष होमगार्ड सभी की तैनाती कर दी गई है। इस समस्त 13 गांवों में मोहल्लों की FIR अब थाना खालापार पर होगी। इसमें अभी 4 चौकियां हैं, बाकी अभी स्टडी जारी है। सर, कोतवाली के दो पार्ट्स हुए हैं, तो क्या कौन कौन सा थाना बनाया, जनमानस को फायदा मिला? जनपद मुजफ्फरनगर में शासनादेश के क्रम में जो 2020 में जारी हुआ था, इसमें चौकी खालापार को उच्चीकृत करके थाना खालापार कर दिया गया है। तो अब कोतवाली क्षेत्र में आने वाले 13 ग्राम और मोहल्ले, जैसे संपूर्ण खालापार के सारे मोहल्ले, योगेंद्रपुरी, रामपुरम, खादरवाला, कसैवान, अबूपुरा आदि कुल 13 ग्राम और मोहल्ले अब थाना खालापार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। शासनादेश में इंगित मानक के क्रम में वहाँ पर निरीक्षक, उप निरीक्षक, कंसोल ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल की तैनाती कर दी गई है। अब उस 13 ग्राम मोहल्लों के में घटित होने वाले सारे अपराधों की FIR खालापार थाने में ही पंजीकृत की जाएगी। इस कार्रवाई से जो कोतवाली क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होने पर पर पर्सन पुलिस बल कम हो गया था, वो अब मानक के अनुसार हो जाएगा और इससे पब्लिक को इजी एक्सेस रहेगा उन 13 ग्राम और मोहल्ले में कि वो अपने थाने पर जाके क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत कार्रवाई करा सके। इसमें फिलहाल अभी 4 चौकियां हैं और इसमें अब हम स्टडी कर रहे हैं कि इसमें बाकी चौकियों को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।